दुर्ग में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। नियमितीकरण की मांग को लेकर दुर्ग के मानस भवन के समीप धरने पर बैठे मनरेगा कर्मियों ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार को सद्बुद्धि देने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुति दी गई। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वादे में मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण करने का भरोसा दिलाया था, साथ ही लंबा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने इनकी मांगों को लेकर कोई सार्थक पहल नहीं की। इसके चलते मनरेगा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दी है और इसी के तहत प्रदेश सरकार को उसके चुनावी वादे याद दिलाने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर धरना स्थल पर मनरेगा कर्मचारियों ने हनुमान पाठ किया, जिसमें बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी गई। बिहान योजना के अंतर्गत हम बिहान त्यागी का काम करते हैं। हम लोग भी अनियमित कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग दूसरे जिला से, दूसरे राज्य और दूसरे जिला में काम करते हैं। जो सरकार की योजना है नियमित कर्मचारी को नियमितीकरण के लिए, तो मनरेगा साथियों के साथ हम लोगों को दो दिन के लिए धरना स्थल पर पहुँच कर हम लोग भी आत्मसमर्पण किए हैं और उन लोगों को साथ दिए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं जब तक सरकार नियमितीकरण नहीं करेगी तो हम लोग बिहार कर्मचारी को भी हड़ताल के लिए विवश होना पड़ेगा। जनता के पावन अवसर पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने संदेश पहुंचाना चाहते हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से, साथ ही साथ हड़ताल पंडाल में बैठ करके आज हड़ताल के 14वें दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके हमें नियमितीकरण दे और चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए मनरेगा कर्मियों को नियमितीकरण दे, साथ ही साथ सिविल सेवा अधिनियम 1966 के तहत सभी मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे निर्धारित करें। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ करके भूपेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कम से कम हमारी मांगों पर ध्यान देवे। जैसे हमारे मांग दो हैं, जैसे नियमितीकरण का और अपन का पंचायती राज अधिनियम 1966 में अपन को लागू किए जाने के लिए मांगे हैं। समस्त मनरेगा कर्मचारियों का नियमितीकरण और ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन मान निर्धारण कराना और छत्तीसगढ़ शासन ने ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए अपने जन घोषणा पत्र में पहले से लिखित में दिए हुए हैं, उन्हीं मांगों और बातों को लेकर के हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उसके समस्त हमारे जो विभागीय मंत्री हैं और विभाग के जो अधिकारी हैं उनके सद्बुद्धि के लिए, क्योंकि उन लोग कहते हैं कि हम लोग भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उनको उतने बड़े अधिकारी और प्रदेश के प्रमुख संवैधानिक पद में बैठे हुए होने के बावजूद भी हमें गेंद की तरह उछाला जा रहा है और बात कर रहे हैं लोग, तो इन बातों को लेकर के हमने सद्बुद्धि यज्ञ किए और चाह रहे हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से ये बात उनको समझ में आ जाए कि मनरेगा के कर्मचारी जो है राज्य सरकार। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।